किस तरह की वार्ता का आयोजन रखा गया? आज यह वार्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव कल यहाँ सियर देवी पर 5 तारीख को लगभग 12:30 बजे पहुँचेंगे और वहाँ पे ध्वजा पताका नेजा चढ़ाएंगे और सभी समाजवादी पार्टी पूरी तरह फिरोजाबाद के सभी लोग उत्साह में हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के आने के कारण। लेकिन इस समय COVID-19 का जो प्रकोप है उसके कारण प्रशासन हम लोगों को अनुमति देने में भी बड़ी आनाकानी कर रहा था, तो हम लोगों को कुछ बंदिशें देते हुए अनुमति मिली। लेकिन समाजवादी साथी सभी 11 बजे हम लोग कटपुरी टोल से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिसीव करके और पूरे फिरोजाबाद शुक्र सिरसागंज सुकाबाद मक्खनपुर सीधे फिरोजाबाद होते टूनला से हम सीधे सिया देवी मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ पे निषाद पार्टी जो इस समय हमारे यहाँ महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आनंद निषाद जी मौजूद हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को लिया था। तो हमारे यहाँ दलित पिछड़े इस मेला में सभी निषाद वर्ग का ये मेला बहुत बड़ा मेला है। सिया देवी हमारे क्षेत्र की बड़ी मान्यता कुल देवी और बड़ी मान्यता है, सारे क्षेत्र के लोग भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठे होते हैं। कल सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे भी होंगे और सभी समाजवादी साथी पूरे उस मेले में शिरकत भी करेंगे, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेजा चढ़ाएंगे और एक संदेश देंगे दलित और पिछड़ों को और निषाद समाज के सभी लोगों को कि सभी लोग एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी को 2022 में भारी बहुमत से फिरोजाबाद से 500 सीटों पर जिताने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे और जिला फिरोजाबाद में पूरी पार्टी आदरणीय अक्षय यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से काम कर रही है और उनके दिशा निर्देश सारे कार्यक्रम को तय किया गया है। और कल हम लोग भारी मात्रा में सारे लोग इकट्ठे होकर सिया देवी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चढ़ के नेजा चढ़ाएंगे। आयोजन किया ये माता शेर देवी की झंडा चढ़ाने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मैंने आग्रह किया, क्योंकि पिछले बार में माननीय साहब यहाँ 2012 में झंडा चढ़ाए थे और मिन्नतें मांगे थे तो मुख्यमंत्री बने थे और लोगों में एक संदेश गई थी जो निषाद समाज के यहाँ बहुतायत संख्या में है, एक बड़ी संदेश गया था। और बीच में जो स्थिति पैदा हुई गुमराह किया गया, धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया गया, आज हमारी आस्था है, ये आस्था का पर्व है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता और आस्था पे जो चोट पहुंचाई है ये बहुत बड़ा अनर्थ का काम किया है और वह स्थिति को हम लोग भाईचारा के तौर पे जो है ना मनाने के लिए हमने आग्रह किया माननीय अध्यक्ष से अखिलेश जी से और हमारी आग्रह उन्होंने माना और यहाँ कल आ रहे हैं माता सियर देवी के यहाँ झंडा चढ़ाने के लिए मिन्नत की जो है ना पर्व है ये और लाखों लोग यहाँ अपनी आस्था की मिन्नतें झंडा चढ़ाते हैं। माननीय साहब से मैंने आग्रह किया और ये भाईचारा के एक संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में, जय निषादराज जय समाजवाद का जो मैंने नारा दिया है, एक सबसे बड़ा समाज को आस्था और प्लस एक विश्वास दिलाने के लिए हमारे साहब आ रहे हैं। आने वाला हमारे भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हमने नारा दिया अब की बार 350 पार और हम इस समाज को कश्यप निषाद वंश के जो लोग हैं इनके यहाँ गांव-गांव जाकर के संदेश पहुँचाएंगे कि भाई आप भाईचारा हम लोग अपना अधिकार लें, पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है वो अधिकार को ख़त्म किया गया है ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने, ये इसीलिए ये पर्व आयोजन किया गया है। अब उनके एक माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की जो जहाँ भी चरण पड़ता है उनको भय लगता है, डर लगता है कि कहीं उखाड़ ना फेंके, उखाड़ तो फेंकना ही है लेकिन सबसे बड़ा ये कब तक बचने का ये प्रयास करेगा। तो हम लोग कोविड का भी पालन करते हुए हम ये पर्व का जो है ना आयोजन और आस्था का आयोजन है इसको पूरा करें।